हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पार्ट टू हल कराऊंगा। जिन लोगों का एग्जाम इसमें चल रहा है उन सभी लोगों के लिए है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, जनरेटर का नाम क्या है? यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए है शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? यह एक जनरेटर का ही भाग होता है। इसका ऑप्शन नंबर है डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, डीसी जनरेटर में स्लिट रिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर है बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एक होता है कार्बन का ब्रश बना होता है, वही पूछ रहा है किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं या अपने चुंबकत्व को कब खो देते हैं? इसका ऑप्शन है डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। जब इसकी रोटेशन की दिशा बदलती है तो उस समय यह कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम में चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? ऑप्शन नंबर है आपका बी, आर्मेचर कोर। मेरा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, डीसी शंट जनरेटर में लोड बदलने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर है ए, आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण बदला जा सकता है। आप अगला क्वेश्चन 33 नंबर, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? अगर लंबी दूरी तक आपको करंट लेके जाना है डीसी के द्वारा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर है डी, संचयी यौगिक जनरेटर। इसमें संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग जो होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम आता है? ऑप्शन नंबर आपका है डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? आपका ऑप्शन है सी, कम धारा उच्च वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, डीसी जनरेटर में कम्युलेटेड संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है? ये आपका जो दिखाया गया है मानचित्र चित्र जो दिखाया गया है, यह एक कॉपर वाइंडिंग होती है। ठीक है, यह एक वाइंडिंग किया गया है, इसी का प्रतिरोध पूछा है। ऑप्शन नंबर होगा डी, धारा दिशा का आसानी से पलटना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन है डी, चुंबकीय पथ के रिलैक्सेंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 40 नंबर, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो बड़ी मशीनें होती हैं डीसी जनरेटर की, उसका जो योक यानी कि बॉडी जो बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है डी, रोल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर 41 नंबर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का
क्या कार्य होता है जो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर है बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, वह कंटिन्यू एक दिशा में आउटपुट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित होता है? ऑप्शन नंबर आपका है सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, यक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? जो आपका एक्स जो दर्शाया गया, ये जो स्लॉट है या इसमें वेंडिंग कहते हैं, ठीक है, ये स्लॉट जो है इसका क्या मान बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 44 नंबर, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉयल का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर है सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित्व करता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो बड़े मशीनें होती हैं उसमें जो कोर बनता है वह एक पतले पतले पत्तियों का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, ढलवा इस्पात, जो इस कास्ट स्टील का होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? ऑप्शन नंबर है डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है ए, संट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका है सी, चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, यदि संट फील्ड प्रतिरोध कृत्रिम प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर? अगर यह डीसी जनरेटर है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, सिंप्लेक्स वेव वाइंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है, फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है, उत्पादित ईएमएफ का गणना करिए। इसका ऑप्शन होगा सी, 357 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है? तो अगर डीसी जनरेटर को हम अधिक समय तक बंद करके रखते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर है डी, अपने अवशिष्ट चुंबक को वह खो देता है, जो चुंबक होता है समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स बटा पोल 0.064 वेब है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डी, 640 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका है बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी है, एमएनए और जीएनए स्थित बदल देता है, स्थिति को परिवर्तित कर देता है। यह मेरा आज तक का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है।